नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह बड़ी खबर आप सबको मिल चुकी होगी। वादे के मुताबिक मैं सुबह 10 बजे हाजिर हूँ। मेरा इरादा तो था हर रोज की तरह ये दिल्ली से छपने वाले 12-13 अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, क्या हेडलाइन है। हालांकि हर अखबार में विकास दुबे के बारे में हेडलाइन है और खबरें हैं, कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। वादे के मुताबिक मैं बताना तो ये चाहता था, लेकिन आपके साथ हमें भी खबर मिली कि विकास दुबे को ख्यात गैंगस्टर 8 पुलिस वालों का कातिल मारा गया। अब उसके मारे जाने के साथ वो सारे राज, वो सारी कहानियां, वो सारे रिश्ते, वो सारे कनेक्शन क्या विकास दुबे के साथ दफन हो गए? कहा यह जा रहा था कि विकास दुबे अगर राज उगलेगा, विकास दुबे अगर अपने कनेक्शन के बारे में नेताओं से, पुलिस वालों से, और बीते 30 सालों में कैसे उसका आपराधिक सफर में किसने क्या मदद की, उसके पीछे पैसे वाले कौन थे, वर्दी वाले कौन थे, खादी वाले कौन थे, ये सारी जानकारियां विकास दुबे से पुलिस को मिल सकती। लेकिन अब विकास दुबे मारा गया, कैसे मारा गया इसको लेकर भी कुछ सवाल है। सबसे अहम ये है कि क्या विकास दुबे ने पूछताछ में पुलिस को कुछ ऐसी बात बताई, अब तक एसटीएफ को कोई ऐसी जानकारी मिली, या उसके पहले ही मारा गया? और अगर कोई जानकारी मिली तो क्या वो सार्वजनिक होगी और उस पर कोई कार्रवाई होगी? ये सारी बात आगे की, लेकिन सबसे पहले उसके मारे जाने की। बहुत नाटकीय ढंग से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, करीब करीब उसी जगह जहां कल उसके एक करीबी गुर्गे प्रभात का एनकाउंटर हुआ था, जिसे फरीदाबाद में पकड़ा गया था। पुलिस उसे ले जा रही थी, यूपी पुलिस, फरीदाबाद पुलिस ने सौंपा था। और उसके बाद रास्ते में कहा गया पुलिस के मुताबिक कि गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और उसके बाद वो उतर के भागने की कोशिश करने लगा और उसमें एनकाउंटर हुआ, उसने भी गोली चलाई और एनकाउंटर में वो मारा गया, हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। ये पुलिस की एक स्थायी थ्योरी है जो दशकों से इस देश में चलती है। लेकिन खैर, मारा गया, गैंगस्टर था, विकास दुबे का साथी था, पुलिस वालों का कातिल था, उससे किसी की कोई सहानुभूति नहीं। सवाल सिर्फ एनकाउंटर पे है कि जैसे उसका एनकाउंटर हुआ, क्या विकास दुबे के बाकी 5 साथियों का एनकाउंटर बीते 5 दिनों में हुआ है? इसी का डर विकास दुबे को था, इसलिए वो भागता हुआ फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचा और कल उसको महाकाल मंदिर में मंदिर के गार्ड्स ने पकड़ा, या उसने खुद को पकड़ने जैसी स्थिति पैदा की और उसके बाद रात को एसटीएफ गाड़ियों के काफिले के साथ लेकर एसटीएफ यूपी एसटीएफ चली, कानपुर जा रही थी। रास्ते में अभी मैं देख रहा था आज तक पर, सबसे अगर मैं कहूं तो एक कायदे से जानकारी आज तक के संवाददाता हैं अरविंद ओझा, हमारे साथ भी, अरविंद ने लंबे समय तक काम किया है। अरविंद ओझा जो बता रहे थे उसके हवाले से सस्पिशियस उसमें भी कि वो अपनी टीम के साथ जा रहे थे एसटीएफ के काफिले के साथ फॉलो करते हुए, जैसे कि रिपोर्टर ऐसे मामलों में करते हैं। कानपुर शहर में दाखिल होने से थोड़ा पहले एक गांव है, एक इलाका है, मैं देखता हूं नाम भूल गया उसका, वहां पहुंचने से थोड़ा पहले कुछ किलोमीटर 20-25 किलोमीटर पहले फासला बना दिया गया मीडिया की गाड़ियों से और एसटीएफ की गाड़ियों से, इनको दूर किया गया कि नजदीक न चले, ये लोग पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद जो अरविंद ओझा ने बताया कि उसके बाद अचानक 5-10 मिनट का फासला था जिस गाड़ी में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था, और जब वहां पहुंची इन लोगों की गाड़ी तो पता चला एक गाड़ी पलटी हुई है, वहां कुछ एसटीएफ के हथियारबंद जवान थे। पूछताछ में एक जवान ने बता दिया कि इसी में विकास दुबे भी था और गाड़ी पलटी, उसे भी गोली लगी है, भागने की कोशिश की, हॉस्पिटल में। अब जो कहानी आ रही है उसके बाद एसएसपी कानपुर ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद वो पिस्तौल छीनकर भाग रहा था, उसको सरेंडर करने को कहा गया, उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की जिसमें 4 सिपाही घायल हो गए और उसके बाद जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया, उसके सिर और कमर में गोली लगी, ये एसएसपी कानपुर के मुताबिक, और विकास दुबे मारा गया। अब जो विकास दुबे कल वहां मंदिर के गार्ड के सामने सरेंडर कहें या गिरफ्तारी हुई, जैसे भी आप जो भी तय कर लीजिए, लेकिन जो कुख्यात विकास दुबे वहां आसानी से गिरफ्तार हुआ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जिनके पास लाठी डंडे भी नहीं थे उनसे गिरफ्तार हो गया, वो विकास दुबे एसटीएफ के साथ जा रहा है और उसके बाद गाड़ी पलटती है, रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश करता है और उसके बाद जब उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है तो फायरिंग करता है और वो मारा जाता है, उसको भी पता होगा कि यहां भागेगा या फायरिंग करेगा या पुलिस वाले का हथियार छीनेगा और गाड़ियों का काफिला है
दर्जनों पुलिस वाले हैं हथियारबंद AK-47 वाले, तो बच नहीं सकता। तो जो बचने के लिए 1500-1600 किलोमीटर का सफर तय करता रहा, 5 दिन तक लुका छिपी का खेल करता रहा, फरीदाबाद से छिपकर उज्जैन भागा 750 किलोमीटर, मंदिर में नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी जिसकी हुई, वो क्या हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था? ये एक सवाल है।